हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपियाना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कार बनाने वाले हैं और ये कार केक होगा, यानी आप कार केक बनाएंगे इस वीडियो को देख के। अगर आप केक बनाना चाह रहे हैं कार वाला, तो यहाँ मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स से स्क्वायर केक को बेक कर लिया है। आप 7x7 या 8x8 का केक टिन ले लें स्क्वायर, और उसमें 300 ग्राम प्रीमिक्स, घर का प्रीमिक्स हो या मार्केट का, 300 ग्राम लेना है और उसे केक बना लेना है। तो यहाँ मैंने केक को कुछ इस तरह काट लिया है, यानी हाफ से थोड़ा सा ज्यादा काटा है कि हमें चौड़ाई थोड़ी ज्यादा मिले, और जो थोड़ा सा हिस्सा बचा था उसे काट कर पीछे एडजस्ट कर दिया है और ऊपर शेप देंगे पूरा कार का। तो यहाँ मैंने वीडियो को कहीं भी काटा नहीं है, बस फास्ट कर दिया है, जिससे आप पूरा वीडियो देख के इस तरह की प्यारी सी कार बना सके। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस कार केक को बना सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे आप घर पे ही इतनी सुंदर कार बना सकते हैं, यानी कार केक बना सकते हैं। तो यहाँ हम ब्लैक फॉरेस्ट का यूज करेंगे, यानी फ्लेवर देंगे। तो चॉकलेट केक बेस लिया है और आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कट करती जा रही हूँ केक को। केक का एक पीस भी, एक छोटा सा टुकड़ा भी मैंने वेस्ट नहीं किया था, सब कुछ यूज किया था मैंने इसमें। यानी जितना बड़ा मैंने स्क्वायर 300 ग्राम प्रीमिक्स का केक बनाया था, पूरा यूज किया था, क्योंकि मुझे 1 किलो का केक बनाना था ये कार केक। तो मैंने पूरा यूज किया और यकीन मानिए मैंने एक भी छोटा सा पीस मतलब फेंका नहीं या उसे अलग से नहीं रखा, मैंने सब कुछ यूज किया। तो बस आपने देख लिया कि मैंने कैसे हर लेयर को काटा, और अब मैं एक बार पहले मैं सेट करके देख ली थी कि कैसे मुझे कार का शेप देना है, और उसके बाद हर लेयर को वैसे ही मैं सेट करती जाऊंगी। मैंने पानी लगाया, या आप शुगर सिरप लगा लें, क्रीम लगाएं। ब्लैक फॉरेस्ट का टेस्ट देना है, तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ा सा चेरी का यूज किया है। सेकेंड लेयर रख रहे हैं, फिर से पानी लगा रहे हैं और फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम 3 लेयर को सेट कर रहे हैं, जो नीचे का बेस है कार का। अगर आप भी इस बार कुछ अलग तरह का केक बनाना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये केक बना सकते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा, और ये कार केक है तो आप इसे बॉय या गर्ल दोनों के लिए बना सकते हैं। बस कलर चेंज कर दीजिए, आप दोनों के लिए इस केक को बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम आप बॉय थीम केक बताएं, तो कार तो बच्चों को बहुत पसंद होती है, खासतौर से बॉय को बहुत पसंद होती है, बॉय लोग जो लड़के होते हैं, तो उनके लिए ये केक आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 लेयर को सेट कर दिया है, अब हमें इसके जो बीच वाला पार्ट होता है उठा हुआ, उसे सेट करना है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने कोई भी पानी या शुगर सिरप का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट मैं केक लगा रही हूँ और आइसिंग कर रही हूँ। जब भी आप किसी केक में शेप दें, या कोई भी पतला हिस्सा हो, उठा हिस्सा हो, या हल्का सा झुका हिस्सा हो, तो उस ब्रेड में, यानी केक का जो बेस होता है, उसमें आपको पानी या शुगर सिरप नहीं लगाना होता है। अगर आप लगाएंगे और वो ज़्यादा भारी हो गया या ज़्यादा वो गीला हो गया, यानी उसमें ज़्यादा आप शुगर सिरप लगा दिए और उसे आप किसी को दे रहे हैं या आपको कहीं ले जाना है, तो वो डिसबैलेंस हो सकता है या गिर सकता है। और अगर आपकी क्रीम अच्छे से बीट नहीं हुई है तो वो ठीक से सेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ मैंने ऊपर वाले हिस्से पे पानी का यूज नहीं किया है, बस क्रीम मैं लगा रही हूँ और बढ़िया से सेट कर रही हूँ। तो अब मैं केक का जो आगे वाला शीशे वाला हिस्सा होता है इसे सेट कर देती हूँ, और जो पीछे वाला केक का हिस्सा होता है, यानी शीशा जो लगा रहता है, उसे सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए कुछ कार का शेप आ गया है, और अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं यहाँ छोटे छोटे पीसेस का भी यूज कर रही हूँ केक को सेट करने के लिए। और ये देखिए कार का जो शेप है ये बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, शेप नहीं आ रहा है, तो वहां आपको थोड़ा सा ज्यादा क्रीम यूज करना है, यानी क्रीम लगाना है और कार का शेप लाना है। तो थोड़ा सा टाइम टेकन ये काम होता है, आराम से करिएगा, और जब तक बढ़िया सा कार का शेप ना आ जाए तब तक आप क्रीम लगा के उसे सेट करते रहिएगा। इसके बाद आप केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जिससे जो आपकी क्रम कोटिंग है वो सेट हो जाएगी, और उसके बाद आपको फाइनल कोटिंग जो है वो नोजल से ही करना है। तो ये जो मैं हिस्सा लगाई
हूँ, यानी केक थोड़ा सा पीछे लगाई हूँ। ये पीछे का हिस्सा जो उठा होता है कार में, उसे मैंने बनाया है। और बहुत ही पतला सा केक बच गया था तो मैंने इसे लगा दिया है, और मैंने टूथपिक लगा दी है जिससे ये डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि बहुत ही पतला सा मैंने केक लगाया है और कभी कभी क्या होता है कि पीछे पलट जाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी डिज़ाइन अगर आप बना रहे हैं जो एकदम किनारे लगा रहे हैं और बहुत ही पतली है, तो उसे आप टूथपिक से अच्छे से सेट कर दें, लगा दें टूथपिक को दो तीन जगह, जिससे आपका वो जो केक है कोने वाला वो गिरेगा नहीं। तो इसे भी मैंने सेट कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए, मैं कुछ और काम करने लगी थी। तो अब हमें फाइनल केक बनाना है, यानी आइसिंग करनी है, इसे डेकोरेट करना है। तो ये जो हिस्सा है ये शीशे वाला है, और पूरा वेप्रीम से मैं यहाँ काम करने वाली हूँ। तो सबसे छोटा वाला स्टार नोजल लिया है। अब बहुत लोग नंबर पूछेंगे, तो इस पे नंबर नहीं है। जो मैंने नोजल लिया था ये सेट वाला, जो 24 या 26 का सेट वाला आता है, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, वही मैंने आज से 4 साल पहले परचेज किया था। और उसमें जो सबसे छोटा वाला स्टार नोजल होता है उसी से मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ जो शीशे वाला जो हिस्सा था जितना भी कार में, पूरा वाइट हो चुका है। अब जो कार है वो रेड कलर की बनने वाली है। कलर कॉम्बिनेशन आप कुछ भी रख सकते हैं, शीशा तो आप वाइट ही करिएगा, और कार का कलर आप कुछ भी कर सकते हैं। रेड के अलावा आप येलो, ब्लू, ब्लैक, जो भी बच्चे को कलर पसंद है या जिस कलर का आप चाहते हैं कार बनाना, उस कलर को यूज़ करके आप इस तरह की कार बना सकते हैं। तो ऊपर मैंने 9 लिख दिया है, क्योंकि जिसके लिए ये केक बन रहा है वो 9 साल का हो गया है। तो यहाँ मैंने ऊपर 9 लिखा है, और अब मैं पूरी कार को रेड कर रही हूँ। नोजल मैंने यहाँ एक ही यूज़ किया है, नंबर नहीं लिखा है, तो प्लीज़ आप नंबर नहीं पूछिएगा। जो भी आपके पास सबसे छोटा नोजल हो, स्टार नोजल, वही आप यूज़ करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है, और इस केक को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन, अगर मैं डॉट की ले गई हूँ, स्टार की ले गई हूँ, तो पूरी सीक्वेंस से ले गई हूँ, जिससे ऊपर नीचे ना लगे और केक देखने में सुंदर लगे। तो अब मैं आगे की लाइट बना देती हूँ। ये देखिए, येलो कलर से बना रही हूँ, और वाइट कलर से मैं आउटलाइन कर दूंगी, पीछे भी सेम ऐसे ही बना दूंगी। तो आप कार को जितना डेकोरेट कर सकते हैं उतना करिए, जितना खूबसूरत बना सकते हैं उतना करिए। अब मैं बोर्ड पे ये देखिए ग्रीन कलर की क्रीम लगा रही हूँ, जिससे बोर्ड ना दिखे और लगे कि ये जो कार है बढ़िया से कहीं घास पे खड़ी है, यानी ग्रीन प्लेस पे खड़ी है। तो आप किसी भी तरह केक को डेकोरेट कर सकते हैं, बस सबसे पहले आप केक को इतने अच्छे से सेट करें कि वो कार शेप में आ जाए, और उसके बाद उसकी आप बढ़िया से आइसिंग कर दें। तो यहाँ मैंने कार की आंखें बना दी हैं, क्योंकि जो मुझे फोटो मिली थी उसमें कार की आंखें बनी थी, और वैसे भी ये कार्टून वाली कार है तो कुछ ऐसे ही दिखनी चाहिए, कार्टून जैसी कार। तो ये देखिए, पर अभी इसमें टायर नहीं लगाए तो मैंने टायर भी लगा दिया। यहाँ मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट का काम कर दिया है, आप इसमें छोटे छोटे जो बिस्किट आते हैं उसे लगा कर इस तरह कार बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कार ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कौन कौन से ऐसे कार के केक की वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बार फिर से मिलते हैं, तब तक लिए बाय।